हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज। तो सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज क्या होती हैं और इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? ये जो एक्ट है हमारा सी का, है ना, इसका क्या एक तरीके से ऑब्जेक्टिव्स है, क्या उद्देश्य है, हम बात करेंगे इस वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। बट उसके पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ कि आपको हमारे चैनल पे आना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने के बाद इस ज्वाइन वाले बटन को क्लिक करके यहाँ पे एक छोटा सा नॉमिनल सा फी पेमेंट करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल का एक्सक्लूसिव मेंबर बन सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारी बेनिफिट्स मिलेंगी। आपको असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, आपको लो कॉस्ट पर यू नो नोट्स मिल जाएंगे, और आपको व्हाट्सएप सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा 24/7 हमारी तरफ से। आप ऑनलाइन लेक्चर्स भी बनवा सकते हैं, और आप चाहें तो यू नो डिफरेंट डिफरेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता, वो हम प्रोवाइड करेंगे आपको, ताकि आपका कोर्स जो है बहुत ही आसानी से हो जाए। दूसरी बात जो मैं बताना चाहूंगा कि आप प्लेलिस्ट में हमारे विजिट कीजिए। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा हर एक कोर्स का, हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो या सेकेंड ईयर का हो। आपको बस इग्नू एमकॉम वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है, राइट। यहाँ पे आपको ढेर सारी वीडियोस मिलेंगी यू नो प्लेलिस्ट के अंदर, जिनको देख करके आप एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे मार्क्स आप ला पाओगे, ठीक है ना। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो वेबसाइट है, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट में नोट्स अवेलेबल है। कैसे एक्सेस करना है, आपको इग्नू एमकॉम वाले टैब के ऊपर क्लिक करना है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इग्नू एमकॉम के क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सपोज आप IBO 1 पढ़ना चाहते हैं, तो IBO 1 के ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन आ जाएंगे यूनिट वाइज जो भी यहाँ पे है, उनके साथ उनके आंसर्स भी दिए हुए हैं। ये देखो डिफाइन इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, क्लिक हियर, है ना, आंसर क्लिक हियर। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका आंसर भी निकल करके आ जाएगा, जिनको पढ़ करके आप एग्जाम की प्रिपरेशन आप ठीक तरीके से कर पाएंगे, राइट। सो इस तरीके से आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीका। सीका का क्या-क्या ऑब्जेक्टिव होता है? सो लेट्स स्टार्ट। सो द प्रीएम्बल ऑफ सीका स्टेट्स दैट द एक्ट पास्ड टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर ए securing timely detection of sick and industrial potentially sick companies owning industrial undertakings, speedy determination by a board of experts on the preventive, hai na, ameliorative, remedial and other measures which need to be taken in respect of such companies, hai na. To yahan pe dekho objective dekh ek ek karke bataya ja raha hai. To jo preamble hai SICA ka, jo preamble hai, jaise ki hamare samvidhan ka preamble hai, hai na, usi tarike se inka bhi preamble hai, jahan pe ye objectives likha hua hai ki wo kya kya karte hain. Sabse pehla to ye hota hai, ek number mein jo baat boli gayi A number mein, ki securing timely detection, aapko jo hai सही टाइम पे आपको डिडक्ट कर लेना, डिडक्शन कर लेना है, डिटेक्शन कर लेना, डिडक्शन बोल रहा हूँ, डिटेक्शन कर लेना है सिक कंपनीज का, या फिर ऐसी कंपनीज का जो कि आगे जाकर के सिक हो सकती है, मतलब वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएंगी, ऐसी कंपनीज को आपको पहले ही डिटेक्ट कर लेना है। दूसरा काम होता है कि आप डिडक्शन करने के लिए आप एक एक्सपर्ट कमिटी बनाओगे जो कि यू नो इस तरह की चीजों के ऊपर काम करेगा, डिटेक्ट करेगा और फिर रेमेडियल प्रोवाइड करेगा, एक तरीके से उसको ठीक करने के लिए क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए वो चीजें करने में आपको हेल्प की जाएगी, नंबर पॉइंट में बताई गई है, है ना। थर्ड नंबर पॉइंट है एक्सपीडिशियस यू नो एनफोर्समेंट ऑफ मेजर्स सो डिटरमाइंड, है ना। तो जो जब आपने डिटेक्ट कर लिया, डिटेक्ट करने के बाद आपको प्रॉब्लम भी डिटेक्ट हो गया, तो फिर आप एक्सपीडिशियस एनफोर्समेंट करोगे, ताकि आपने जो डिटरमाइन करके रखा है कि इस कंपनी को बेहतर बनाना है, किन किन चीजों की जरूरत है, आप उन सारी चीजों को यहाँ पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हो। डी नंबर है मैटर्स कनेक्टेड देयर विद एंड इंसिडेंटल देयर टू, ठीक है। तो जो भी मैटर्स इसके साथ कनेक्टेड होंगे उन सारे मैटर्स का पता लगाना, जिसके कारण से यू नो ये कंपनी सीक हो रही है या क्यों हो रही है, ये सारी की सारी चीजों जो का जो है आपको पता लगाने का जो काम है, ये ऑब्जेक्टिव जो है सीका का होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट इन नमित आर कमानी वर्सेस आर कमानी AIR 1989 SC 9 करेक्टली एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीका। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1989 का अपने जजमेंट में कहा था सीका की सीका क्या 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 जो है एक तरीके से ऑब्जेक्टिव्स होगा। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है अफोर्डिंग मैक्सिमम प्रोटेक्शन टू एम्प्लॉयमेंट, कि जो है ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। सपोज कंपनी सिक हो जाती है तो सबसे ज्यादा असर किसके ऊपर पड़ेगा, एम्प्लॉयज के ऊपर पड़ेगा, राइट। उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा या कंपनी बंद हो जाएगी, है ना। तो उनको एक तरीके से प्रोटेक्ट करना, किस तरीके से आप प्रोटेक्ट करोगे, सो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी चीजें आपको करनी चाहिए वो आपको करनी है। ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, जो कि उन्होंने नमित आर कमानी और आर कमानी के केस में अपना ये जो है यू नो दिया था, जो अपना क्या देते हैं वो लोग
डिसीजन जो वो लोग देते हैं, है ना। तो शुरू में तो पहले बताया गया कि प्रीएम्बल इन चार चीजों के बारे में बात करता है, ए बी सी डी, बट सुप्रीम कोर्ट ने फिर बाद में और भी चीजें उसमें बताई कि इन सारी चीजों के ऊपर आपको ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहला है एम्प्लॉयमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ फंड्स एंड अवेलेबल प्रोडक्टिव एसेट्स, है ना। तो जो भी आपके पास फंड्स अवेलेबल है, जो भी आपके पास प्रोडक्टिव एसेट्स है, उसका ऑप्टिमाइजेशन, उसको ठीक तरीके से इस्तेमाल करना ताकि कंपनी ठीक तरीके से काम कर सके, राइट। रियलाइजिंग द अमाउंट ड्यू टू बैंक्स, जो भी आपके पास बैंक के पास ड्यू है अमाउंट, उन सारे चीजों को क्लियर करना, जो इंस्टीट्यूशन है, जो क्रेडिटर्स है, उन सारे के पैसे जो है वापस देना, या फिर जो पैसे अगर आपको मिलने वाले हैं तो उन सारे लोगों से पैसे लेना, है ना। तो ये आपका जो है सेटलमेंट वाला जो काम है, ये एक तरीके से आपका करना जो है, ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव हो जाता है। डी नंबर पॉइंट है प्रोवाइड एफिशिएंट अथॉरिटी कंसिस्टिंग ऑफ एक्सपर्ट्स फॉर द एक्सपीडिशियस डिटरमिनेशन ऑफ मेजर्स टू प्रोवाइड द कंज्यूमिंग प्रोसीजर्स, है ना। तो एक तरीके से जो एफिशिएंट अथॉरिटी प्रोवाइड की जाती है लोगों को, एक्सपर्ट्स को, कि भाई आप जाकर के चेक करो कि क्या दिक्कत है, और जो भी दिक्कत होगी उसके अकॉर्डिंग फिर जो आपको मेजर्स लेने हैं, तो एक तरीके से उनको प्रॉपर अथॉरिटी प्रोवाइड की जाती है, जो भी एक्सपर्ट होते हैं, कि आप यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन ले सकते हो। सो ये चार यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने बातें बताई थी, ऑब्जेक्टिव्स बताई थी सीका की। इन दिस केस इट वॉज हेल्ड दैट सीका इज अ पीस ऑफ बेनोवेलेंट लेजिस्लेशन मेंट टू प्रोवाइड प्रिवेंटिव एमलेरेटिव एंड रेमेडियल मेजर्स एंड शुड बी कंस्ट्रूड लिबरली टू अचीव दैट पर्पस। तो इस केस में सीका को ये बोला गया, सीका के बारे में बताया गया कि सीका जो है वो एक लेजिस्लेशन है जिसका काम है, लेजिस्लेटरी एक तरीके का संस्था है जिसका काम है, एक एक्ट जिसका काम है कि आप सिख इंडस्ट्रीज को होने से बचाना, उनको प्रिवेंट करना, एमलेरेटिव प्रोवाइड करना, और उनके लिए रेमेडियल मेजर्स लेना जिसके कारण से वो सिख ना हो, है ना, और एक तरीके से उनको किस तरीके से तैयार किया जाए, वो लिबरली जो जो है लिबर्टी जो है उनको मिलनी चाहिए, और उसमें जो है सीका आपकी हेल्प करेगी। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सीका एक एक्ट है जिसके तहत वो सीका के तहत वो सिख इंडस्ट्रीज को पहचानने की कोशिश करते हैं, उसके बाद उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं बाय टेकिंग डिफरेंट मेजर्स, है ना। और भी बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, आई होप कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा, आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय बाय, थैंक यू।